हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में जो मास्टर कार्ड है टू थाउजेंड सेवेंटीन में साइंस का पेपर हुआ था उसमें हम बॉटनी का जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज मेंटेन इन इंडिया एज कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में या किन किन जो भी इंस्टीट्यूशन ये बताए हैं चार ऑप्शन में कहाँ-कहाँ इसकी मेंटेनेंस होती थी जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एन बी पी जी आर न्यू दिल्ली सेकेंड था सी पी आर आई शिमला सी आर आर आई कैलकट एंड ऑल ऑफ अबब इन चारों में आपने बताना था कि जर्म प्लाज्म की कलेक्शन कहाँ हुई थी सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए थी तो जैसे फर्स्ट है एन बी पी जी आर न्यू दिल्ली इसका था ऑप्शन सॉरी इसकी थी फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस सेकेंड ऑप्शन था जैसे सी पी आर आई शिमला सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन एट शिमला सी आर आर आई कैलकट सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन तीनों में आप देख सकते हो ये जेनेटिक रिसोर्स का इंस्टीट्यूशन है और ये पोटैटो रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है ये ये है सेंटर इन तीनों में जर्म प्लाज्म की कलेक्शन हो सकती है होती भी है कि इसका आंसर आएगा तो फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द्लायड कल्चर द क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन विदाउट द न्यूक्लियर डिविजन इज नोन एज कि अप्लायड कल्चर में क्रोमोजोम की हमने डुप्लीकेशन करवानी है विदाउट दी न्यूक्लियर डिवीजन की न्यूक्लियर डिवीज़न भी नहीं करवानी है फिर भी हमारे जो क्रोमोजोम है वो डुप्लीकेट हो जाए उस टर्म को हम क्या कहते हैं तो इन चारों टर्म्स को आपको पहले तो पता होना चाहिए तभी आप आंसर को ढूंढ सकते हो कि पहले तो यूमाइटोसिस क्या होती है तो इसमें जैसे यू माइटोसिस का मतलब क्या होता है एक टाइप ऑफ माइटोसिस ही होती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है ड्यूरिंग दी प्रो मेटाफेज कि जब प्रो मेटाफेज स्टेज आती है उस टाइम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह डिजोल्व हो जाती है जिससे हमें न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का जो प्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है उसमें कोई डिस्टिंग्विश डिस्टिंग उसमें कोई डिफरेंस नहीं पता लगता उस कंडीशन को हम कहते हैं यूमाइटोसिस हो रही है एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है रेप्लीकेशन ऑफ ए क्रोमोजोम विदाउट द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस की डिविजन के बिना जब क्रोमोजोम की रेप्लीकेशन होती है उसे हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस नेक्स्ट ऑप्शन थी जैसे क्लोनिंग क्लोनिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ए क्लोन क्लोन की प्रोडक्शन uh, करना या क्लोन्स की फॉर्मेशन करना विद दी हेल्प ऑफ आइडेंटिकल डीएनए कि अगर किसी भी चीज का किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिकल डीएनए है तो उससे हम आगे क्लोन्स बनाने हैं सेम ही होते हैं जो क्लोन्स होते हैं वो देखने मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली ऑलमोस्ट सारे सेम ही होते हैं ये नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो इसके दो वे में हम ले सकते हैं जैसे हमने डीएनए की फॉर्म में ले लिया अगर हम जेनेटिक्स में ले तो कि अगर कंबाइनिंग हो दो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल डीएनए अगर वो दोनों कंबाइन हो तो उस कंडीशन को भी हम कहते हैं हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए सेम एंड डिफरेंट स्पीसीज की दो सेम और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब इंटरब्रीडिंग होती है उस प्रोसेस को भी हम कहते हैं हाइब्रिडेशन तो इसका आंसर आना था जैसे ऑप्शन बी कि अप्लाइड में जो क्रोमोजोम डुप्लीकेशन होती है विदाउट द न्यूक्लियर डिवीजन या विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज एंडोमाइटोसिस नेक्स्ट है द कंफर्मेशन ऑफ ए डी ट्रांसफॉर्मेशन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी डन विद हेल्प ऑफ अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बताए हुए वेस्ट ब्लॉटिंग से आप देख सकते हो कि डीएनए ट्रांसफर हो गया है या फिर सदर ब्लॉटिंग पेज या पीसीआर अब सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है किसके लिए यूज की जाती है या सदरन ब्लॉटिंग का क्या फंक्शन है पेज और पीसीआर का क्या क्या फंक्शन है तो जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग या वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रोटीन्स किस स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जैसे मिक्सचर ऑफ प्रोटीन पड़ा है उसमें हमने स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है उस टाइम हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं सर्दरन ब्लॉटिंग हम डीएनए लिए करते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस को ब्लड या सैंपल में से डिटेक्ट करना हो तो हम सर्दरन ब्लॉटिंग करते हैं कि वेस्ट हम यूज करते हैं फॉर प्रोटीन सद्रन हम करते हैं डीएनए सीक्वेंस के लिए ऐसी ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है जो हम आर एन ए के लिए करते हैं नेक्स्ट है जैसे ऑप्शन में पेज आया था पेज की फुल फॉर्म होती है पॉलील एक्र, अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि प्रोटीन की हमने सेपरेशन करनी है कि जैसे कोई लार्जर प्रोटीन है कोई स्मॉलर है अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिकुलर वेट साइज इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन को सेपरेट करना है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेज कि पॉलीएक्राइल एक्र, अमाइड हम जेल यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब होता है कि हमने उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दियर मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे पीसीआर था पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमिरेज चेन रिएक्शन इसमें हम डीएनए की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है कि जो आगे फोरेंसिक लैब्स में यूज की जाती है ये वाली टेक्निक पीसीआर <coughs> तो क्वेश्चन क्या था कंफर्मेशन ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसको कंफर्म करना है तो उसको हम करेंगे सदन ब्लॉटिंग से डिटेक्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय टर्म डार्विन फिंच फिटनेस कि डार्विन फिटनेस का मतलब क्या था डार्विन की जो थ्योरी थियो है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है कि डार्विन फिटनेस का मतलब होता है द अबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कि हमने ये वाला ऑप्शन सही है केबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन डी वेरिज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन कि जो डिवेरिस था उसने मोटेशन थ्योरी दी थी ये भी क्वेश्चन एवोल्यूशन के चैप्टर में से आया हुआ है और ऊपर वाला क्वेश्चन था जो फोर्थ वो भी एवोल्यूशन के चैप्टर में से था जो मोटेशन थ्योरी दी थी डिवेरिस ने उसने कौन सा किस पे काम किया था तो उसने ये तो आपको सीधा ही आना चाहिए इनोथियरा ले मार्किना के ऊपर इसने काम किया था ड्रोसोफिया पे तो काम ड्रोसोफिला पे तो काम किया गया था क्रॉसिंग ओवर के लिए लिंकेज के लिए पाइसम सेटिबम पे तो मैंडल ने काम किया था ट्राई कम में हम तो वैसे ऑप्शन में है ये नेक्स्ट है क्वेश्चन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द पार्ट ऑफ ए डीकम्पोज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए वेस्ट रिसाइकल इनटू द स्टार्टिंग ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस बतानी है ये आप किस में तीन टाइप की पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट होती है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट सेकेंडरी एंड टर्शरी तो वैसे जैसे फर्स्ट ऑप्शन था प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है जब हम सीवेज की प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जितना भी सेडिमेंटेशन करते हैं जितने भी हमारे जैसे स्टोन हो गए पॉलीथीन बैग्स हो गए उनको हमने रिमूव करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन उसके बाद हम है करते हैं हैंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इसमें हमने क्या करना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कि जो हमारे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो हमारा वाटर आया है उसको हमने एक टैंक में डाल देना है टैंक में डालने के बाद उसमें हमने माइक्रो देने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने चाहिए क्या एरोबिक जो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही सर्वाइव करें तो उन्होंने एक स्लज बना देना जिसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज कि उस ट्रीटमेंट को हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट तो जैसे यह यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है सेडिमेंटेशन ऑफ ए सॉलिड वेस्ट जितने भी सेडिमेंटेशन करनी है हमने जितना भी सॉलिड वेस्ट है लाइक स्टोन हो गया पॉलिथीन बैग्स उनको हमने सेडिमेंट करना है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है जिसमें हमने जो भी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से वाटर को कलेक्ट किया है थोड़ा बहुत जो भी हमारा साफ हुआ है उसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया उसकी ट्रीटमेंट करनी है अरोबिक बैक्टीरिया यूज करने है यह आपने याद रखना है हमेशा अरोबिक बैक्टीरिया या डीकम्पोज बैक्टीरिया यूज करने हैं और इसमें एक एरिएशन टंक टैंक भी होता है जो एयर प्रोवाइड करता रहता है टू दी बैक्टीरिया जो भी एरोबिक हमने बैक्टीरिया लिए हैं एरोबिक एलगी ली है एरोबिक फंजाई ली है तो मेन इसमें क्या याद रखना तो है अपने जो एक्टिविटी एक्टिविटीजल ट्रीटमेंट होती तो है उसमें हमने अरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है नेक्स्ट है टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है जो भी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट या स्केंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद हम ट्रस्टी ट्रीटमेंट करते हैं फाइनल क्लीनिंग करते हैं जिसमें से हम कितना भी जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसको हम रिमूव करते हैं तो क्वेश्चन में क्या था कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट का वो वाला पार्ट बताना है जिसमें हम डीकम्पोज बैक्टीरिया को यूज करते हैं तो इसका राइट right ऑप्शन आना था एक्टिवेटेड स्लस ट्रीटमेंट मीन स्केंडरी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस प्लास्टोमिक्स इज अ स्टडी दैट डील प्लास्टोिक्स क्या होती है ट्रांसप्लास्टोमिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को इनएक्टिवेट करके उनको मॉडिफाई करके न्यू जीन्स की या उनको न्यू फॉरेन जीन की इंट्रोडक्शन करके इंसर्ट करवाना है हमने डीएनए ऑफ ये आपने याद रखना है डीएनए ऑफ प्लास्टिड्स कि जब हम प्लास्टिड्स में प्लास्ट आगे कितने टाइप के होते हैं तीन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट जब हम प्लास्टिड के जो डीएनए में कोई भी जीन की उनको इनएक्टिवेट कर रहे हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं जो कोई भी न्यू फॉरेन जीन की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसप्लास्टोमिक्स मीन्स प्लास्टिड्स में हमने क्या करनी है मॉडिफिकेशन करनी है तो देखो इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में द ट्रांसप्लास्टोमिक्स इज अ स्टडी दैट डील्स विद द टारगेट जीन इन ए क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन पहले ही बिल्कुल सही है कि क्लोरोप्लास्ट आएगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक नेक्स्ट है द लो टेम्परेचर इंड्यूज एक्सप्रेशन ऑफ मैनी कोल्ड इंड्यूस जीन्स कि लो टेम्परेचर से बहुत सारे जो कोल्ड इंड्यूस जींस है उसका एक्सप्रेशन इंड्यूस होता है आता है ट्रांसजेनिक प्लांट कैन इम्प्रूव द कोल्ड टॉलरेंस विद हैज बीन प्रोवाइड प्रोड्यूस बाई जो हमने मॉडिफाई किए हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो उनकी हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो कोल्ड टॉलरेंस बन सके तो इसमें ऑप्शन है जैसे एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन दैट एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ऑल द टाइम इन प्लांट्स हमने उन प्रोटीन को एक्सप्रेस करना है जो कोल्ड इंड्यूजिंग कोल्ड इंड्यूज जीन्स हैं उसके जो जीन्स को एक्टिवेट कर सके मीन्स उनके जीन जो कोल्ड टॉलरेंस वाले जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सके कि हमने ऐसे प्रोटीन की एक्सप्रेशन करनी है ताकि वो एक्टिवेट कर पाए जो कोल्ड टॉलरेंस वाले जीन्स है तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है नेक्स्ट है आर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज एंड दे। देखो जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है वो एक एंजाइम है जिसने डीएनए को कट करना है ये तो आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है डीएनए को कट करना है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है रिस्ट्रिक्शन कि हमने डीएनए ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को एट ए स्पेसिफिक साइड पे कट करता है तो आप ऑप्शन में जैसे देख सकते हो कट द डीएनएरियस नो कट द आरएनए आरएनए तो कट करते ही नहीं है ये ज्वाइन द डीएनए सेगमेंट ये तो लाइगेज एंजाइम करता है तो ऑप्शन डी है जैसे कट द स्पेसिफिक साइड ये डीएनए को स्पेसिफिक साइड पे कट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलो इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ इको सिस्टम तो ऑप्शन में है जैसे प्रोडक्टिविटी स्टेटिफिकेशन एनर्जी फ्लो एंड डिकम्पोजिशन अब देखो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो इको सिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है देखो इको सिस्टम की चार फंक्शनल यूनिट है प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो डी कम्पोजिशन एंड न्यू न्यूट्रिशन न्यूट्रियन साइकिल आपने याद रखना है न्यूट्रियन साइकिल ऑल्सो इंक्लूडेड इन ए फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है इको सिस्टम की ये आपने याद रखना है कि फंक्शन कौन सी है एंड स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इको सिस्टम टाइप हैज बिन हाइएस्ट एनुअल ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको चार इकोसिस्टम दिए गए हैं इसमें से आपने ढूंढना है कि हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है पहले तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी बायोमास जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एट द प्रोड्यूसर लेवल उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब क्वेश्चन में क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है आगे जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है आगे दो टाइप की है एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस होती है कि किस कितना उसने ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस किया है एट दी प्रोड्यूसर लेवल अब नेट क्या होती है जैसे पी नेट हमने लिख ली कि नेट जितना उसने यूज की प्रोड्यूस किया है ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन कि कितना उसने रेस्पिरेशन में लॉस कर दिया है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हो गया कि किसने उतना प्रोडक्शन की है ऑर्गेनिक मैटर की उसमें से जब हमने रेस्पिरेशन मीन्स जो ऑर्गेनिक मैटर रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस हुआ है उसके बाद जो भी हमारा बचता है कि रेस्पिरेशन को हम कम करके जो भी हमारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर बचा है उसे हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसमें ज्यादा होती है ट्रॉपिकल डेसोशियस फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेट डेसोशियस फॉरेस्ट या टेम्परेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पहले तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी उनमें ज्यादा होगी उनमें ही ज्यादा ग्रॉस भी ज्यादा होती है और नेट भी ज्यादा होती है तो इसका ऑप्शन बी आएगा

वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है डीकम्पोज करना है अगर वो रिमूव कर दे तो फंक्शनल इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और ये क्यों पड़ता है फर्स्ट जैसे ऑप्शन है मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड हर्बी विल नॉट रिसीव दोलर एनर्जी देखो हर्बी का सोलर एनर्जी से डीकम्पोजर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि इसका कि अगर डीकम्पोजर हम कम कर दे तो सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो भी ब्लॉक नहीं होगा नेक्स्ट ऑप्शन है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई होगी नहीं तो कम होगी ये यहाँ पे स्लो आना था मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक तो इसका ऑप्शन नंबर ए आना था क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं देखो प्लांट्स ने जो भी मिनरल बनाए हैं वो अगर डेड हो जाता है जो एनिमल डेड हुआ है वो कहाँ पे आएगा सॉइल में आएगा सॉइल में उन्होंने क्या होना है दोबारा से मिनरल्स में कन्वर्ट होना है जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया जो भी हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर में उसमें कन्वर्ट कर दोबारा से सॉइल में थ्रू प्लांट्स के थ्रू प्लांट उन्होंने दोबारा क्या करना है मिनरल की मूवमेंट करनी है तो अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो मिनरल की मूवमेंट टोटली totally क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी इनकमिंग The skin हो सकती है डिप्लूशन ऑफ एजोन ले यूज ऑफ डिटर्जेंट तो इसका आंसर तो सीधा है कि अगर की अगर अजोन लेयर की डिप्लूशन हो जाएगी तो जो यूवी, यूवी रेज है उनसे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर होने के ज्यादा चांसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कार्बन मोनोऑक्साइडेड बाई ऑटोमोबाइल्स देखो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है डेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू जब हम कार्बन मोनोक्साइड को इनहेल करते हैं उस टाइम जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो क्या होती है रुक जाती है क्यों उन्होंने क्वेश्चन पूछा की बाय बाय द स्टेबल कंपाउंड विद्यूमोग्लोबिन बायो ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ग्लोबिन बाय चेंजिंग द ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमोग्लोबिन देखो कार्बन मोनोक्साइड होती है एक ऑक्सीजन होती है इन दोनों ने क्या करना है इनके पास दोनों के पास इंफिनिटी होती है कि इन्हों ह्यूमोग्लोबिन के साथ जुड़ के इन्होंने कंपाउंड बनाना होता है अब इन दोनों के कंपेरिजन को हम देखें जो ऑक्सीजन है या मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड के पास ज्यादा इंफिनिटी होती है कि ये हिम्योग्लोबिन के साथ जुड़ के एक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनाए जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगी तो इसका ऑप्शन ए आएगा बाय फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड विद द ह्यूमोग्लोबिन की उसने कार्बन मोनोक्साइड ने ह्यूमोग्लोबिन के साथ जाकर एक स्टेबल कंपाउंड बना देना है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरिया क्लाई ई क्लाई इज यूज एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द पोल्यूशन ऑफ वाटर विद अब देखो जो ई क्लाई होता है उससे हम जो वाटर पोल्यूशन की है कि कहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो रहा उसकी हम इंडिकेशन का काम करता है जो इक्लाई e होता है वैसे ही जो लाइक होते हैं वो एयर पोल्यूशन बताते हैं कि वहां पे एयर पोल्यूशन है अगर लाइकन की ज्यादा ग्रोथ हो जाए वैसे ही जो ईक्लाई e होता है वो वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो रहा है अब ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया लेकिन बताया कि वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है जो हैवी मेटल्स है वहां पे या फेशियल मेटल है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर पॉलन्स ऑफ इक्वेटिक प्लांट्स तो इसका ऑप्शन बी आएगा कि उस वाटर में जहां पे इक्लाई होगा ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन या उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो उस वाटर में फेशियल मैटर की वजह से वो पोल्यूशन हुआ था ये तो फिफ्टीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए थैंक यू सो मच